अजीत इमरान लेने रात उठेंगे तो याद नहीं ईमानदार ना हो किसी ना तल्लक कोई नहीं कोई तल्लक नहीं उन्होंने था खतरा सानू शब्द गुरु ने जोड़न की कोशिश की थी हर वक्त उन्होंने ख्याल रहा है कि साड़ी रुचि मार्ग बन जाए एक दा तुला जंदा पिया थी अगे सियापा करते पाए वो भी बैठ के सियापा करन लग गया हाया साया जंगल ढूंढे बेले ढूंढे ढूंढे सदे जाइया जब मैं आपके देखने लगे आन लबा बचमाइया हाया साया लोगों ने कहा तू क्यों रोना है कहने एक क्यों रोंदिया ने तो आदि मर गया असि मैं क्या कि अपने वास्ते रोंदिया ने मालका साढ़े ती वे ना भी साढ़ा भी कोई बंदोबस्त कर जो साढ़ा भी कोई इंतजाम कर सू मौत हथ ना चलना पवे रोज जन्म मन चक्कर से निकलीए उन्होंने मतलब यह थी भी अपने वास्ते भी रोवो दिन थोड़े दिल आना है इस तरह साढ़े देश के ये संगरान मनाई जाती थी आम हिंदुए तो हम फकीर का कोई तलक नहीं ये छड़ते तो नहीं वहम पिछले चाहे नाम भी ले ले छेती छेती पिछले वहम नहीं जाते सुनाम साहब कहने इतमो डूबा संसार गुरमुख कोई उतर पार इतमो फिर जूनी पाए मोहे लादा जम पर जाए गुर दिख्या ले जब तक माए ना मोह टूटे ना था पाए नगर करे ता ए मोह जाए नानक हर सर रहे समाए के इन्ना मोह माया चे फसया है इन्ना शरीर च फसया है इन्ना कर्म धर्म च फसया है इन वहम पै वे ने जे मैं आ ना कीता खबनी की होगी पुराने वहम छेती निकल देनी ए जी ते मर्द मेहर करे नाम लेके भी इसे करके तरक्की नहीं करते नाम लेके भी भूत प्रेत इधर उधर देवी देवते सौ छप्पे पाऊंगे उन्होंने किसी चीज ने उन्होंने कहा इन्हें हटना तो है नहीं अपन नवी संग्रांत खड़ी कर दी ना उन्होंने बारह माह तैयार किया हूं भी साढ़े यही है पढ़े तो बस पढ़े हो मतलब तो लिया ही ना उन्होंने संग्रांता ना कोई मतलब नहीं ना कारतिया ना पूर्णमाशिया ना काफी चीज ना बनने नहीं होंगे वो तो सोचो इस कुदरती तार आ रही है करंट कह लो वेव कह लो तार कह लो ये दिमाग के जरिए आनी चाहिए जब अखा चाहिए देखने लग गया कन्ना चाहिए सुन लग गया जबान चाहिए बोलन लग गया हथ पैर चाहिए चलन फिरन लग गया कई दफा तुम देखे होना है बैठे होने ख्याल से लत हो जाती है उस लत से खड़े होवो तो खड़े नहीं आना हथ सौ जाए तो हथ ना कोई चीज पकड़ो पकड़ी नहीं आती जब फिर ख्याल करते हैं या कुटते हैं तो चल पैंदा उतो तार निकल गई थी उतो तार निकल गई थी उस जिंदगी है ये तो अगी इस तार मिट्टी के फसी पई है इन्हें गांह होर बन लिया मंदिरा ना मस्जिदा ना तीर्था ना सिंगरांदा ना ते फलाने ना ते टिंकरे ना इन्हें चीजा नहीं बनिया तो इतनी कटनी है इसे जिन्हें असं कहने जड़ के तीन गठ खोलनी है कम तो इन्हें यह करना सी अगे तो अगे होर बनता ही बनता गया बनता ही बनता गया इन्ने पहन पै गए अगे तो अगे बनी जाता है छुट्टन का कोई उपाय नहीं बाणी जी की जगह आता फंसन की भी सब कोई जाने छुट्टन की ना कोई बंधन की तो सारी जानते ने जिन्हें कर्म कर्म ने इन सब बंधे बंधे ने कर्म धर्म सब बंधना पाप उन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र पुत्र सो धन जहां देखा था जूरी माया का संबंध नन सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते अंत ये ठीक है चंगे कर्म का फल चंगी जूनी मिलजू सुर्ग मिलजू मगर जन्म मन के बंधन नहीं छुटते सवाल तो जन्म मन के बंधन कट्टन का है उतो छुट्टन का है सारे ने बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या और नार बंधन कर्म धर्म हो किया बंधन पुत्र पवित्र मन बिया बंधन भेद बाद अहंकार सारी दुनिया बंधना च फसी पई छुट्टन वाला तो कोई भी नहीं
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਰਾਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ 12 ਮਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਰਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਤਰਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਬਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਪੂੰਚ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛੇਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਅਕਾਲ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਕਾਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਨਾਹ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਤੁਰਗ ਨਰਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਦੀ ਪੋਟ, ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੇ ਸਤਿਅ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਖੰਡੂ ਖੰਡ, ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਕੋ ਹੋ ਥਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸੂਝ, ਸੋਈ ਉਤਰੇ ਭਾਉ ਜਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹੇ ਰੂਝ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਸੂਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸੋਨੇ ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਕੜੀ, ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਵਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਜੁਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਜੁਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਰਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 84 ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਰਗੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਕੀੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਮੁਰਤੀ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿੰਦ ਬਤਾਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਤ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ, ਤੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਸੰਗ ਜੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਦੇਵਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਤੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਕਰਮ ਮੁਕਤ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਚ, ਕਦੇ ਸੁਰਗਾਂ ਚ, ਕਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਚ, ਕਦੇ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਚ, ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੀੜੇ, ਕਦੇ ਪਤੰਗੇ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣ, ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਤ ਦੈ ਦਿਸ ਪਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਜਨ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜਦ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿਛੜਿਆ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ।
साडा छुटकारा नहीं होया, तेरे नाल मिलाप नहीं होया, अपने घर नहीं पहुंच सके। असी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अर्जे की दशम दिशा फिरे, सुरगा च गए, नरका च गए, होर जगह गए, पर तेरा मिलाप ना होया। हुण ए तेरी मेहर है, असी तो जोर ला चुके, तेरी मेहर है, तू तो बेशक कढ़े, तू तो बेशक अपना मिलाप करावे, असी तेरी शरण च आया, तू साडे ते मेहर कर, तू अपना मिलाप करा, असा नहीं तो पिछड़े पिछड़े हैं जुगां ते। हां तेन दूजे ते बावरी कित न आवे काम, जल बिन थाक तुम लावती उपजे नाही दाम। हुण मिसाल दिंदे ने कि जिस तरह की गाय दुध नहीं दिंदी, ओनू चंगी तरह कोई घाव नहीं पाउंदा, दाना तो की पाउणा, चंगी तरह पानी भी नहीं पिलाउंदे, फसल है ओन पानी ना मिले, पानी के बगैर सुख जाती है, ना फल लगता ना फुल लगता, उस कुछ नहीं वटिया जाता, निकम्मी हो जाती है। इसी तरह असि भी निकम्मे हो चुके हैं, साड़ी भी कोई कदर नहीं। जब मौत आती है, हर जून के बाद मौत आनी, मौत के वक्त की होंगे, ये कर्मा का जरा बोझ ए सिर रखे जाता है, पिछे जमदूत होंगे ने वो डंडे मार देने, अग दे समुद्रा च निकलना पैंदा, बुरा हाल है, मिट्टी गीत है, किथे बादशाह दा लड़का है, किथे सतपुरुष दी अंश, किथे जमदूतां दे डंडे, जिवें कोई बादशाह दा लड़का सिपाहियां दे डंडे खावे, साडी हालत इह हो चुकी है। इक महात्मा ने लिखिया, कर्म भार सिर उपर लादा, घिरे फिरे काल का प्यादा, प्यादा के संगीत खोती, सतपुरुष के कुल की गोती, किथे सतपुरुष दे अंश, किथे जमदूतां दे डंडे खावे, साड़ी हालत यह हो चुकी है, असि निकम्मे हो चुके हैं। हां जी, तेन दूजे ते बावरी किते न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम। हर नाहन मिलिए साधन कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंत न प्रगति पाठ न कर से ग्राम। कहीं अगर कोई स्त्री है उसका पति संभाल ना करे तो उन्हें किन्ना दुख होंदा है, उन्हें चैन किथे, सुख किथे, शांति किथे। इस तरह है मालिक, तू साडी आत्मा का पति है, अगर तू साडी संभाल ना करे सानू सुख किथे, आराम किथे, साडा हिरदा पठ बनिया पिया है, नाम तो लोह कार दिया का ना सड़दा पिया है, सानू चैन किथे आवे, तेरी मेहर ते बगैर कुछ नहीं हो सकता। हां जी, हर नाहन मिलिए साधन कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंत न प्रगति पाठ नगर से ग्राम। ਕਿੱਡੀ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਕੀਰ ਮਿਲਾਵੇ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤ ਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਗੀ ਸਭ ਖਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤੀ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ और हार शिंगार चंगे सोहने कपड़े पावे, गहने कपड़े पा के पति नूं मिलन जावे, अगे अगे गुहा ना खोले, दर्शन ना देवे, तां उहनूं किन्ना दुख हुंदा है, उहनूं चैन किथे, सुख किथे, उहदा मूंह थुक्कण दे काबल बन जांदा है, उहनूं घर वाले सस सहुरा देवर जेठ मां बाप सब जमदूता मंगू पासदे ने, कोई चंगा नहीं लगदा।
इसी तरह ए मालिक असी भी बथेरे कर्म तर्म किते, बथेरे शिंगार बनाए, क्या बड़े पेख बनाए, सब कुछ किया, पर तेरा मिलाप ना होया। सानू भी जिन्ने लोग ने मां बाप भैन भरा जिन्ने भी हैं रिश्तेदार जिन्ने पंडित काजी सब जमदूता मांगू लगे तेरे बगैर केड़े काम बोलो क्या पेख है क्या कुछ है तेरे बगैर केड़े काम अगर तू नहीं तो किसी लेखे नहीं। हाँ सर्व सिंगार तंबोल रस छण देगी सब खाम प्रभ स्वामी कंत विऊणिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जनाम हर मेलो स्वामी संग प्रब जिसका नेचल ताम मालक दे बेनती कर देने क्या मालक साड़ी यही बेनती है कि सानू ओ नाम दे ओ रास्ता दे ओ बंदोबस्त कर कि असि सीधे तेरे घर सचखंड नामी पहुंचिए जिथे ना आना है ना जाना है ना जमना ना मरना है जेड़ा नेचल है हमेशा हमेशा कायम है। हाँ जी नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जनाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल धाम चेत गोविंद आराधी है गोवे आनंद कणा संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जेत का महीना क्या कहने मनुख जन्म पा के असि क्यों दुखी होने के मालिक का नाम नहीं जाते सानू चाहिए उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त मालिक का नाम जपिए नाम जपन दे नाल यही नहीं कि साड़ी मुक्ति हो जू नेड़ी बल्कि हमेशा का सुख हमेशा की शांति हमेशा के आनंद पहुंच जाएंगे। पर हुण अगे साफ तौर ते कहंदे ने कि उह नाम का जपना कित्थों सिखिया जांदा है वह नाम कित्थों मिलता है तरीका कित्थों मिलता है कहंदे संतां पासों जिहड़ा असली चीज है असली जाप है बाहर वह संतां दे जरिए है जिहड़ा अंदर वाला नाम है वह भी उन्होंने हाथ च है वह सानू सिमरन करा के अंदर लै जांदे ने तां उह नाम मिलता है। चेत गोविंद आराधी है गोवे आनंद कणा संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जिन्ना ने संता महात्मा थे नाम जपना सिखिया नाम जपिया मेहनत कीतिया अंदर सतगुरु नूं प्रगट कर लिया वो अपना जन्म सफला कर गए वो मालिक की दरगाह गिनती च आ गए मालिक की दरगाह च रखे गए उन्हां दा आना इस जहान दे विच मुबारक है। कहंदे उन्हां दा की दस्तूर सी किवें गए कह उठते बैठते चलते फिरते उन्होंने एक मिनट भी मालिक का नाम जपना नहीं छड्डे सारी घड़ी सुलखणी जशौ ना बिहावे ग्रंथ साहब कहंदे ने जो भी सुलखणी है जिहड़ी हर वक्त मालिक नाल लगी रहे कहंदे खिन पल विसरे तू स्वामी जानू वक्त पचास साल अगर खिन पल भी विसर गया तो समझ मैंने पचास साल का वाकफा पै गया साडा की हाल बोलो भाई सोच लो असि तो उधर ख्याल ही नहीं करते कहते एक मिनट भी इन्हें छड़िया यही बाबू ने कहा जो दम गाफल तो दम काफर सानू मुर्शिद ने फरमाया हो कि सानू अपने उस्ताद ने मुर्शिद ने दसिया क्या कि जिस वक्त तू मालिक का नाम जपना छड़िया उस वक्त काफर बन गया मोमन नहीं काफर है। एक दफा मूसा नू हंकार हो गया कि मेरे ना वड्डा भगत केड़ा खुदा नू कहन लग्या
कि मेरे भी वाला भगत है, कहना मूसा बड़े बड़े भगत पाए ने, आदमी का सी जानवर पाए ने। उन्हें क्या दिखा, कहने फलाने जंगल च फलाने दरख्त से फलाना पंछी बैठा, तू को जा। वो कहन लग गया मैनू ओदी बोली नहीं समझ आनी, अखे मैं तेन तक दिना तो ओदी बोली समझ लेना। वो जानवर को गया, जाके उन्हें पूछता है भी तेरा की हाल है। कहन लगे मूसा मैं तेरे ना गलत करनी नहीं सी, मैनू फुर्सत कोई नहीं, मगर क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है ता मैं तेरे ना गल करन लगिया। कहना तू केड़ा कम करदा है कि मालिक का नाम जपदा। कहना कोई सेवा मेरे लायक, कहना सेवा यह है ये कर सकता है, आ जो टोभा है ना पानी का छप्पड़ है इन कोल लिया दे। वो कहना यह कोई दूर है जिम्या है, कहना मैनू पता है ना जब इन्हें जाना बंदा मेरा नाम जपने छुट जाता है, मैनू पता है दूर है। वो कन फड़ गया तो उन्होंने एक मिनट भी नहीं छड़िया, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सुते जागते मालिक ने लाई रखी उन्होंने। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा, एक खिल तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल मैयल पूरिया रविया बीच बना, तो प्रभ चित न आवई कितना दुख गणा। जेड़ा मालिक जलां थलां च जाड़ां पहाड़ां च दरियावां च जिथे जाओ हर नाल है, हर जगह है, साडे अंदर है, साडे अंदर हुंदे होए कोल है, कोल हुंदे होए असीं नूं वसारीए ते किन्ना दुख है। साडे किन्ने खोटे भाग ने, साडे अंदर बैठा असीं नूं वसारीए, कहिंदे साडे वर्गा इहदों खोटे भाग वाला किहड़ा। हांजी जल थल मैयल पूरिया रविया बीच बना, तो प्रभ चित न आवई कितना दुख गणा। जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना पागमना, हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। जिन्ना जिन्ना ने संत महात्मा से नाम जपना सिखिया, अंदर मेहनत कीतियां, अंदर मालिक नु प्रगट कीता, मालिक नु प्रगट कीता, उन्हां दे भाग मना क्या बड़े उच्चे ने, उच्चे भागा वाले ने, वो अपना जन्म सफला कर गए। हुण मालक अगे बेनती करदे ने, कह मालिक सानू भी तेरे दर्शनां दी डाढ़ी सिक लगी हुई है, मन बड़ा लोचदा है, तू साडे ते मेहर कर, साडा ही पर्दा खोल दे, दर्शन दे। हांजी हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना, चेत मलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। हुण कहंदे ने कि चेत दा महीना क्या मनुख जन्म पा के सानू की करना चाहिदा है, कहंदे उन्हां संतां महात्मा ने चरणी टिकना चाहिदा है, उन्हां कोल जाना चाहिदा है जेड़े सानू मालक ना मिला देन, तां साडा जन्म सफला हो सकदा नहीं। हांजी वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बछोवो, हर साजन पुरखी विसारी के लगी माया तो वो। हुण दूसरा महीना वैसाख दा आंदा है, क्या के विसाख दा महीना क्या मनुख जन्म पा के जिन्हां नूं मालक दा प्यार नहीं, सतगुरु दा प्यार नहीं, नाम नहीं जपदे, उन्हां नूं शांति किथे, चैन किथे, खुशी किथे, आनंद किथे। ओ खुशी बाहर पालदे रहे विषय विकारां दी लत्तां च, पुत्रां धीआं च, कौमां मज़हबां च, चलदियां च,
मायरे प्यारे बन गए, मायरे समान कट्ठे करने लग गए, फिर ओद नतीजा की होया अगे कहने। हाँ, वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बछोगो, हर साजन पुरखी विसारी के लगी माया तो गो, पुत्र कल तरना संगतना हर अवनासी होगो, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोगो। मौत वक्त ना पुत्र थी हने नाल जाना है, ना जमीन जायदादा जांदिया ने, ना औरतां जांदिया ने, ना देश जांदे ने, ना कौम मजहब जांदे ने, एवें झूठे तंदे च कहने वक्त गुजार के चले गए। फिर की होया मौत आई। हाँ, पुत्र कलतरना संगतना हर अवनासी होगो, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोगो, एक तुहर के नाम बिन अगे लिये खोगे, दयो विसार विगुचना प्रभ न अवर न कोए। सारी उम्र विषय वकारां इन्हीं दे भोगां च, पुत्रां तियां च, जमीना जायदादा दे झगड़िया च, जमीन जायदादा कट्ठियां कीतियां, कारखाने बनाए, होर तंदे करदा रहा, ना जाने वाला सतगुर सी, अविनाशी पुरख सी, उन्हें प्यार ना पाया। हुण पुत्र तियां इत्थे रह गए, हठ वेलियां इत्थे रह गए, जमीन जायदाद इत्थे रह गए, कारखाने इत्थे रह गए, जिहड़ा तन सी कुछ घरदियां कोल रह गया, कुछ लोकां कोल रह गया, इसे तरह अपनी जिंदगी खराब करके चलिया गया। फिर पढ़ो। एक सोहर के नाम बिन अगे लिये खोगे, दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोए। इसी रह गए, कोई साथी नहीं, अगे कौन साथ देवे, अगे जा खराब होया। हां जी, इसी ले लो, इसी साथ दिता, पाकिस्तान बनिया। उधर जेड़े आए ने पूछो, जमीना भी सी, कारखाने भी सी, बंदूक भी सी, किसी चीज ने कम दिता, बोलो इतनी कम ने दिता, गां केड़े कम आ। प्रीतम चरनी जो लगे तिन की निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। कहने निर्मल बुद्धि उन्हां दी है, फायदा वो उठाउंदे ने, लाभ उठा गए, जन्म सफला वो करते ने जेड़े सतगुरु के चरणों ने प्यार करते ने, उन अंदर प्रगट करते ने, वो फायदा उठा जाते ने। बाकी इसे तरह अपना जन्म बर्बाद करते चले जाने। उनके मालिक अगे बेनती करते ने, क्या मालिक तू साढ़े ते मेहर कर, अपना दर्शन दे सानू, पर्दा खोल, साडा पर्दा खोल दे, तेरे दर्शन होन, तेरे बगैर चैन नहीं, तेरे बगैर कितने सुख नहीं। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए, वैसाख सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए। कहने वैसाख का महीना क्या मनुख जन्म ओदा सफला है, जेड़े संता को जानते ने उत्थे नाम जपना सिद्धे ने, जेड़े संत संत पेटी हर सोए, जेड़े मल ना मिले हुए ने ਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, वैसाख सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दावन लगिया किसे न देई बन। तीसरा महीना जेठ दा आ गया। कहिंदा जेठ दा महीना क्या
जेठ महीने अंदर बड़ा कहने जेठ का महीना क्या मनुख जन्म पा के सानू की करना चाहिए कि जुड़ना चाहिए कहने उस तक न जुड़ना चाहिए जेड़ी सबसे वड्डी है। यही पंत साहब ने कहा बड़ा हो तो पूजिए संत ने किया विचार कहने ओना जुड़ना चाहिए ओरी सेवा करनी चाहिए ओरी भगती करनी चाहिए जी सब से वड्डी है जिदा दामन पकड़ के ना भूत का डर रहे ना प्रेत का ना जमदूत का ना काल का ना महाकाल का वो केड़ी है सच्चा सतगुर शब्द रूपी राम जो शब्द रूप जमे है जिन्होंने अभी हाजिर नाजिर जिंदा राम कहने हाजिर नाजिर क्या जो हर वक्त है जिंदा वो तक जी मन जम से पर रमी हुई हर वक्त है जिन्होंने अभी राम नाम कहने जिनी जो सारे अंदर कम करती पई है जिनी सब रचना करने वाली है जिन्हें देवी देवते खंड हर वक्त है जिन्होंने अभी राम नाम कहने जिनी जो सारे अंदर कम करती पई है जिनी सब रचना करने वाली है जिन्हें देवी देवते खंड ब्रह्मांड सब कुछ बनाया है कहने ओना जुड़ना चाहिए ओरी भगती करनी चाहिए है। उसे गुरु गोबिंद सिंह ने कहा जागत जोत जपे निस्वासर एक बिना मन नायक नान कोई जी जागती जोत सारे अंदर कम करती पई है सामने जिंदगी से ताकत दी पई है वह जपन के काबिल है वह बगैर किसी ना मन ना जुड़ना चाहिए अगर वह दामन पकड़ ले कहने ले तुम्हारो ना ताको बार ना बांके खुले बंदू पर जाए तनक जमदूत ना ताके अगर वह नाम जपे कहना आजादी ना खुली आजादी ना अपने दरगाह जाते ने जमदूत नेड़े नहीं आते धर्मराज नहीं जाना पैंता ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई तीन लोग के बीच फिरे ना आन दुआई कहने तलो पीता तुन कोई हथ लाने वाला नहीं अगर वो कोई गुनाह भी कर ले किसी मौके तन सतगुरु आप बेशक सजा देवे लेकिन काल दे हथ नहीं दिंदा कहने वो ताकत ना जुड़ना चाहिए सन। हाँ जी हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावन लगया किसे न देई बन सारी रचना शब्द गुरु ने की है उन्हें तो सारे छड़ी बैठे ने जेड़े असली चीज है उन्हें तो सब छड़ी बैठे ने मानक मोती नाम सब उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पवन कहने मालिक का नाम बड़ा कीमती कीमती है उच्चे से उच्चा जिन्हों वो ऐसी दौलत है जिन्हों ना चोर चुरा सकते ने ना डाकू खो सकते ने ना जमदूत खो सकते ने ना पानी गाल सकता है ना अग सार सकती है वो सब खुशियों का दाता है सारी इच्छा पूर्ण करने वाला है। उस मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो जिसकी चोरी कभी न होवे ऐसा धन मैंने पायो खर्चू ला खत्म नहीं होवे दिन दिन भर सवायो यही वीर साहब कहें जाकी काठी नाम है ताकि है सब सिद्ध कर जोड़े ठाड़े खड़े आठ सिद्धि ना निध सारिया रिधिया सिद्धियां शक्तियां ओदे विच ने कहने उची ती उची दौलत है कीमती तो कीमती है ए दौलत कम देने वाली है साथ देने वाली है। हाँ जी मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पवन जिन्हें असि कर्म धर्म करते हैं ये तो रस्ते जमदूत खो लेंगे ना पता कोई नहीं जो पुलिस आंदी है किसी फट के लै जाए तो कहना भुख लगी है कहने कढ़ पैसे प्यास लगी है कढ़ पैसे थाने तक जाते जेब खाली कराने ने इसी तरह कर्म धर्म भी जमदूत रस्ते जे खो लेंगे कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तीन जन जाती लूटे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निम छूटे निर्वाण कीर्तन कहो सच्चा नाम कहो शब्द गुरु कहो ये भक्ति नहीं खो सकते जे जिन फटके लग जाने अंदर विद्या वो तो नहीं खो सकते सिपाही बस इसे तो नाम की भक्ती है जी असली ओनू नहीं खो सकते जमदूत सिपाही सब खो लेने रस्ते जी भुख प्यास लगती है अंदर तड़फदा वो कहते फलाने कर्म का फल दे फलाने धर्म का फल दे बस उदे खाली हो जाने
जो हर लोड़े सो करे सोई जी करना, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। ऐसे सारी दुनिया शब्द गुरु ने बनाई है, सच्चे नाम ने बनाई है, शब्द धरती शब्द काल शब्द शब्द प्रकार नाम से धारे सगले जान नाम से धारे खंड ब्रह्मांड सारी उसने बनाई है। क्या कुत्ता क्या बिल्ला क्या हाथी क्या घोड़ा क्या इंसान क्या हैवान क्या देवी क्या देवते सारे उसने बनाए ने। इन्हें जब उची ते उची कोई चीज है उची ते उचा जन्म है तो आदमी का आदमी जो उचा है जेडे कामल संतान तलक पैदा कर देने उन्होंने कुछ के नाम जपते हैं। उन्हें जो उचे ने जिन्होंने नाम जप के अंदर सतगुरु प्रगट कर लिया कहिंदे तन ने वह मुबारक ने वह मालिक ने ऐसे सारी मालिक के बंदे ने पर निज के बंदे बन जाते हैं वह खास बंदे ने मालिक उन्होंने सुनता है मालिक उन्होंने वस च है उन्होंने काबू च है। हाँ जी जो हर लोड़े सो करे सोई जी करना, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। बागर जी दा वासी गए थे वो जांदे पए से बाहर ता शांत वक्त सी असी जांदे पए से तो लोग आंदे पए से खेत तो कम कर जांदे सी। एक बीबी आंदी सी उहदे नाल सी मीठे दा बच्चा छोटा भेड़ दा बच्चा छोटा जी मीठा छोटा जा बच्चा सी हुण वो खलाउंदी पलाउंदी सी भीड़ देख के वो बच्चा वो बीबी दे कंगा च वड़दा जावे उन्होंने किसे बनी नहीं देखिया उहदे पिछे 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 गया किसे नूं होर नहीं किसे पासे नहीं देखिया उहदे पिछे पिछे गया। दुकान जी देख के कहण लगे देखो भाई इस बच्चे ने किसे नूं नहीं देखिया ए जिहड़ी खलाउंदी इहदे पिछे गया। इस तरह जेडे मालिक की भगती करते हैं मालिक उन्होंने देखता बाकी सारी दुनिया उसे किसी ने पूछता जेड़ा भगती करता वह नीचे बंदे बाकी कोई नीचे बंदे नहीं करते किसी ने नहीं पूछता भगती वगैरह कोई नहीं पूछता मालिक। हाँ और पीछे पीछे फिरता। हाँ जी अपन दिया जे मिले बिछड़ क्यों रवना, साधु संग परापते नानक रंग मनन। ऐसे सारी दुनिया भक्ति करती है कोई कर्म धर्म जप दा कोई मंदिर पूजा कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है पर कहने ऐ मालिक नहीं मिलता ऐ मालिक नहीं मिलता। अगर साडे मेहनत कीतिया थे साडे कर्म धर्म कीते थे मिलता तो अज तक असीं विछड़े रहने मालिक को पहुंच जाते कहने मालिक नूं मिला देने की फौकीयत मालिक नूं मिलान देने वाले संत ने साधु ने उन्होंने जरिए मिल सकता है जेड़े मिले हुए ने जिन्होंने वो रास्ता देखे वो सानू रास्ता दिखा सकते हैं जेड़े आप रस्ते जाते ने वो सानू दस सकते हैं दूजे नहीं उन्होंने जरिए मालिक मिल सकता है बाकी ना। एक कबीर साहब कहने वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई भी जावे हाथ कहे कबीर साहब पाइए या भेदी लीजिए साथ भेदी लिया साथ का दिनी वस्तु लिखाए कोट जन्म का पंथ साफ पल में पहुंचा जाए जिथे कहने करोड़ा साल जाना सी उथे दिना च चला जाता है जे सही रास्ता होवे सीधा रास्ता होवे तो जल्दी पहुंच जाता है जे उल्टे रास्ते पै जाए किन्ने नठे जावे नहीं पहुंच सकता जाना होवे सीधा बाली नूं तुरपी सरसे नूं चल किन्ने नठे जाइए नहीं पहुंच सकते इधर कदम कदम भी चलिए सीधे रास्ते पै जाइए तो पहुंच जाएंगे। कहने सही रास्ता सारों को मिलता है जेडे अंदर गए ने मालिक को पहुंचे ने उन्होंने जरिए मालिक मिल सकता और कोई तरीका नहीं। साधु संग परापते नानक रंग मनन्ना, हर जेठ रंगीला तिस कणी जिसके पाग मथन्ना। कहने जेठ का महीना क्या मनुख जन्म उन्होंने सफला है वो सफला कर गए जिन्होंने कोई कामल साधु मिले पर कामल साधु किनू मिलता है जिदे उच्चे भाग ने कोई प्राणी भगती है कोई मालिक दे राह चो हुक्म मिलिया वे है कहने बगैर नसीब ते पूरा फकीर भी नहीं मिलना फकीर ते पहला मिलना औखा है। हाँ
साधु संग परापते नानक रंग मनन हर जेठ रंगीला तिसणी जिसके पाग मथन। इस रोज पढ़ते हैं सुर कर्म पाया तुग जन को से नाम हर के लागे इन सुरुद्र का हुक्म है उन काम साधु मिलता है वो नाम जपता है कहो नानक से सुख है चित कर आनंद बाजे वो मेहनत करता है वो अंदर आनंद सुनता है वो अपने घर पहुंचता है। असाड़त पंदा तिस लगे हर नाओ न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। हाड़ का महीना सख्त गर्मी का होंगे गुरु अर्जन साहब की मुराद इस गर्मी तो ने उन्होंने तो गर्मी असि हर साल सहने हैं पखा चलिया गर्मी हट गई ठंडा पानी पी लिया गर्मी हट गई नाले गर्मी हट गई हवादार मकान चले गर्मी हट गई बर्फ का पानी पी लिया कूलर रख लिया गर्मी हट गई पहाड़ा ने चले गर्मी हट गई उन्होंने मुराद केड़ी गर्मी तो है कि नौ दस महीने मां के पेट के बीच पुठा लटकता है जठरा आगन दे तार ना सड़ता है भैड़िया पुड़िया जूना जाता है नरकों च फिरता है देख लो कुत्ते का हाल देख लो किवें डंडे मारते हैं बैलों का हाल देख लो गड्डियां जोतते हैं हल जोतते हैं वो चलते नहीं डंडे मारते हैं कई दफा बह जाते हैं उन्हें आरा चबाने सोच लो इस गर्मी से कहते जिन्होंने दुनिया ने प्यार पाया विश्वकार लज्जतां लिया पुत्रा दियां च फसे रहे होर धंधिया च फसे रहे हाड़ की गर्मी उन्होंने वास्ते जो नाम नहीं जपते जिन्हें नाम ना जपया शांति के अंदर है बाहर कितने शांति नहीं सुख के अंदर है बाहर कितने सुख नहीं नाम के अंदर प्रगट करना चाहिए सतगुरु से प्रगट करना चाहिए सारी दुनिया उल्टे वास्ते पई भी है कहते हाड़ की गर्मी उन्होंने वास्ते है जेड़े सुख विशे वकारा पुत्रा दियां होर स्यापे पालते ने उसे कितने सुख नहीं सारी दुनिया उल्टे रास्ते है गुरु अमरदास कहते ने मन मूलक बोलिया जासी पत गवाए ये जगत मोह दूजे व्यापिया गुरमती सच प्याए कह मन सारी दुनिया उल्टे रास्ते जाती पई है पत गवाएगी जमदूता ने हथ चढ़ेगी तू तो ना भुल तू तो ना भुल तू तो कोई गुरमत अख्तियार कर किस काल की को जाके नाम जपना सिख अंदर सच्चे सतगुरु नु अंदर प्रगट कर उस सच ताक नु अंदर प्रगट कर सुख दे ताम जा तू तो ना भुल तू सारी दुनिया भुलिया उठे रस्ते जाती है कहने हाड़ की गर्मी उन्होंने वास्ते है जेडे विषय वकारा च लगे पे ने इन्हें भोगा च लगे पे ने पुत्रा दिया मोहब्बत फसे पे ने चोरिया ठगिया करते पे ने हाड़ की गर्मी कहने उन्होंने वास्ते है उन्हें मालिक नु छड़ के सुख बाहर पालते रहे बाहर कितने सुख ने। हाँ जी हाड़त पंदा तिस लगे हर नाओ न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। जेड़े दुनियादारा ने पिछे लगे दुनिया ना प्यार पाया पुत्रा धिया ना प्यार पाया विशे वकारा ने लज्जतां लाइया कहते हाड़ उन्होंने वास्ते हाड़ की गर्मी है। हाँ जी दूजे पाए भी गुची है गल पई तो जम की फांस जेगा बीजे सोलुने मथे जो लिखिया सुख दे अंदर है शांति दे अंदर है जाना सी अंदर पालनी अंदर सी लेकिन इन्हें मोहब्बत करना पाई विषय बकारा ना इन्हें भोगा ना कौमा मजबा ना रिश्तेदारा ना जमीन जायदाद कठिया कीतिया हूं उन्होंने वास्ते चोरिया ठगिया पुत्रा धियां वास्ते अपने जिसम वास्ते चोरिया ठगिया रिश्ता सौ स्यापे ने किते देशा पिछे एक दूजे के गल वे कौमा पिछे गल वे सोच लो नाल कोई भी ना गया फिर की होया अगे जिस वक्त मौत आई जमदूत इन पकड़ के ला गए धर्मराय को धर्मराय कहते मैजिस्ट्रेट धर्म का न्याय करने वाला उन्हें साढ़े अगे अपना इमाननामा रखता भी आया तेरिया कसूरत ने फला है नरकों च गया पैड़ियां पैड़ियां जूनों च गया
ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਭੁਗਣੇ ਪਾਏ ਹਾਂਜੀ ਦੂਏ ਪਾਏ ਵਿਗੁਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਜੇਗਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਪੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਡਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਭੁਗਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਪੈ ਗਈ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਚੁਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਾਢਾ ਪਿਛਤਾਉਂਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਗਾਂ ਜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀਏ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਪੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਡਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਲ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਨ ਮੁਕਾ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੜਦੇ ਆਏ ਸੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸਾੜ ਤੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ ਬਾਕੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੇ ਆਏ ਔਰ ਸੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲੀ ਸਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ
बाकी जिन्होंने विषय वकारा झूठे धंधे से गुजार गए वो हड़ दी गर्मी तरह सड़दे आए ते सड़दे चले गए। हाँ जी सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार बिख्या रंग कुड़ाव्या जिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार हरित कानी चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है चाहे चूड़ा है चाहे चमार है चाहे कर्मी तर्मी है चाहे ईसाई है चाहे हिंदुस्तान का चाहे पाकिस्तान का चाहे अमरीका का चाहे अफ्रीका का हर एक कालमी के अंदर अमृत वरसदा पे मालक ने एदे वास्ते रखिया एदी जायदाद है सब दे अंदर जिवें हर जगह से पानी है कितने 10 फुटते कितने 20 फुटते कितने 30 फुटते कितने 100 फुटते कितने 200 फुटते है सब जगह इसी तरह हर एक दे अंदर अमृत वरसदा पे है लेकिन उन्हें पींदा कौन है कहने जिन्हें किसी कामल साधन तलक पैदा किया उसे रास्ता लिया नाम जपया अंदर वड़िया वो पींदा बाकी ना है सब दे अंदर रखे सब दे अंदर है मगर वाकफकार फकीर के जरिए पीता जाता है जब वो पींदा है उस ओदे मुकाबले कोई लज्जत नहीं वो ऐसी लज्जत है ओदे मुकाबले कोई दुनिया की लज्जत नहीं फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ मथ्यो माझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब न पुजन तुद ओदे मुकाबले कोई लज्जत नहीं जद पीती तो जिन्नी दुनिया दज्जत ने सब फिक्किया लगन लग गया इधर ख्याल ही नहीं आंदा ए कूड़िया लगन लग गया जहर लगन लग गया इधर सारे तल टूट गया मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार बिखिया रंग कुड़ावे जिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वर्तन प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख अपार दिखिया रंग कुड़ाव्या जिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जी ने साधु ने किसी ने तलक पाया वो अमृत पीता अंदर जाके देखिया क्या क्यों मालिक जल थल जर्रे जर्रे चाहे उजाड़ा पहाड़ा जिथे जाओ जर्रे जर्रे च मालिक दिखाई देने लग गया मालिक अगे बेनती करते ने क्या मालिक साडा भी तेरे दर्शन मन लोचदा तू साडे ते मेहर कर सानू भी ऐसा साधु मिला असि भी तेरे को जा सकीए तेरे दर्शन कर सकीए अंदर शांति लै सकीए वन तिण प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार कहने कर्म कहने ने फारसी दलाफा जी मतलब बख्शिश कि तेरी मेहर ते बगैर तेरे कर्म ते बगैर तेरे पर्दा नहीं साडा नहीं खुल सकते तेरे दर्शन नहीं हो सकते ये तेरी मेहर है जेड़ा तेरे असि दर्शन कर सकते इस करके तू साडे ते मेहर कर कि तेरे दर्शन होवे। हां जिन्नी सखिए प्रभ पाया हूं तिन कह सद बलिहार नानक हर जी मया कर सवदन सुवारण हार जिन्ना जिन्ना दे मालिक ने मेहर कीती कोई कामल साधु मिलाया उन्हें नाम जपया
अंदर सतगुरु नूं प्रगट कीता असीं उहनां ते कुरबान आ, बार बार कुरबान आ। ओ तन ने, ओ मुबारक ने, उहनां दुनिया जाणा सफल आ, उहनां दुनिया जाणा सफल आ, कहिंदे असीं उहनां ते बार बार कुरबान आ। हां जी, नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार। कहिंदे मालिक साडे ते इस तरह मेहर कर, सानू भी अपना और रूप दिखा, जेड़ा जेड़ा असली रूप है शब्द। उस मालिक का रूप की है शब्द, जिस रूप नारे अनाहत बाजे शब्द निरंजन आपकी है, ताकि असी भी देख लिए भी जर्रे जर्रे तू है। हाँ, नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। सावन का महीना क्या मनुख जन्म वो सफला कर गए जिन्ना दे गल च राम नाम दा हार है। राम नाम दा हार क्या, जेड़े हर वक्त राम नाम ना जुड़े रहंदे ने, वो लज्जत लैंदे ने, रस लैंदे ने, वो अमृत पींदे ने, कहने वो जन्म सफला कर गए, वो सुख और शांति लै गए, बाकी हाड़ दी गर्मी तरह सड़दे आए ते सड़दे चले गए। पादवे परम पुलानिया दूजे लगा हेत। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। पादो दा लफ्ज पार दू दा मरतब है। दू कहने अग नू, पा पड़की हुई अग। इस महीने की हुंदा है, हूं भादों का महीना है ऐसी। इस महीने की हुंदा है, दरख बदल आए, चार कणियां पईयां, बदल चले गए, फिर ऐसी पड़दा हो जाती है कि आदमी दुखी हो जाता है। उधर मक्खी मच्छर हुंदा है, खेतों के घा उगे आते ने, ये कढ़न लगता है तो तड़फदा है। उत्थे कई तो बेचारे साधु बन जाने, फिर उठ के भी चलो भाई किहड़े छापे च पए आ, फकीर बन जाने वे दुखी होके। सोच लो कहने भादों का महीना क्या मनुख जन्म पा के कौन दुखी होंगे ने, कौन भरमा अंदर भुले ने जेड़े सतगुरु का नाम नहीं जपते, जिन्हें दुनिया ने प्यार पाया, विश्व कारण लज्जा च फसे रहे। भादों परम पुलाया दूजे लागा हे, मालिक नूं छड़ के दूजे दूजे पासे फिरे, बाहर ने अनेक सुख दे समान बना लवे, उन्हें शांति। रात भी अर्ज की थी एक ने वे वे कऊच बना ले, आखिर अगे 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 कहते हूं मैंने इन्हें भी शांति नहीं, बिच गिर जाता वे, कहना जो भी शांति नहीं। अगर बाहर दे समान च शांति होंगी तो अमीर लोग शांति होंगे, उन्हना वर्गी बेचैनी किसी को नहीं। फोड़ अमरीका का मुल्क सारे ना अमीर आज मुल्क है, उन्होंने फोड़ सारे ना अमीर है। वो बेचारा संतरे दे फाड़ी दे रस नूं तरसदा मर गया, उन्हें कहा मैनू कोई शांति दे दे, मैं ते सारी जायदाद लै लवे। पर शांति जे शांति हुंदी इन्हां चीजां च तां क्यों कहिंदा। सोच लो इसे तरह अगर भगती बनी भी आईए, माई तां ही यही हजारा कर्म धर्म कर ले, हजारा पूजा पाठ कर ले, अगर अंदर नाम दा रस नहीं आया तो किहड़े काम मालक नहीं मिले, तो किहड़े काम। मसाजी फरमाया करते थे, एक शाहूकार थी, उन्हें लड़की की शादी की, शादी जब की तो पति मर गया, उन्होंने वास्ते की करे, उन्होंने वास्ते एक बगीचा बनाता, कोठी बनाती, नौकर चाकर देते, गहने कपड़े हर एक सुख देता, हूं सारे सुख तो हैं पर पति वाला सुख तो कोई नहीं। इस तरह किन्ने कर्म धर्म जपता पेख बना ले, जब तक अंदर रस नहीं मर्द नहीं मिलता तो किड़ा सुख है। कहने कौन दुखी होंगे, जेड़े मर्द का नाम नहीं जपते, अंदर मर्द प्रगट नहीं करते, वो दुखी होंगे ने। हां जी, पादू परम पुलानिया दूजे लगा हेत। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन दे बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत।
पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। उन्होंने वक्त गुजारा पुत्रा दिया जमीन ज्यादा मैंने कठिया कानी होर दुनिया का समाना कठिया कानी जिस वक्त मौत